यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, एक कायदे आज़म तेरा एहसान है, तेरा एहसान। साहब को जो कोशिश ये करती है कि जो डिस्कनेक्ट हैं, द पीपल हु आर द डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस, जो इदारे सहूलतें मुहैया कर रहे होते हैं, उन तमाम लोगों के लिए ब्रिज का काम कर रहे हैं हम। वी आर एज ए ब्रिज बिटवीन द इंस्टीट्यूशंस एंड द पीपल हु आर नॉट गेटिंग सच काइंड ऑफ फैसिलिटीज। वो जैसे लाइव स्टॉक में लोग, बहुत सारे मालवंत लोग हैं जिनके पास अपने कारोबार हैं। अब हम चाहते हैं कि वो लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट के साथ, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बहुत सारे प्रोग्राम हैं, उनके साथ मिलकर अपने कारोबार को न्यू इनिशिएटिव के साथ ले आए। अगर वो छोटे सतह पे फार्मिंग कर रहे हैं तो बड़ी डेयरी कोऑपरेटिव फार्मिंग में चले जाएं। आज़ादी जो जो रूह है वो ज़रूर अज मुख्य इन प्रोग्राम में नज़र आयो है। छो जो इन प्रोग्राम के जरिए मान की सुध के लिए, उनकी आगाही के लिए, उनकी तरक्की के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए जो अगया कदम असी वधाए रहा है, और समझा तो यो तमाम घणो लाभायतो साबित थींदो। जेका ही कोशिश है एग्रीकल्चर से रिलेटेड या पंजो लाइव स्टॉक जी डेवलपमेंट के लिए, या जेका रूरल अपलिफ्टमेंट है, मानन जी जेका तरक्की है, मान या असो जो एग्रीकल्चर जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, त हूँ तो असा जनरली ग्रोथ के पैदावार से भेटिंदा आयो, पर जैसे वह पैदावार जैसे का चेंज आने तो उनके असि डेवलपमेंट था चूँ। जो डेवलपिंग कंट्रीज आन उनकी टेक्नोलॉजी के फोकस कयो, उनके जहन में रखियो, बिजनेस के जो सो माना बतायो। जैसे तो डेवलपिंग कंट्रीज जो फकत प्रोडक्शन से जोर दींदा रहा तो अस इनके सो बताए। उन ही हवाले से एकड़ो जो है सो एक खास एरिया जो है तो बिजनेस के किए जो सो असि बहराड़न में बताए। वो भी आस्पेक्ट है साफ को जो तो बिजनेस के जो सो कें कज, अदरवाइज एजुकेशन से भी है। और हमें खुशी होनी है, बींग सिंधी वी आर दी नेशनलिस्ट, हम इस मुल्क की बका, इस मुल्क की तहफ़, और जो हमारे लीडर्स कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने का एक वियन था, जो फादर ऑफ द नेशन है, कि यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन पे हमें फोकस करना चाहिए। ये जो प्रोजेक्ट आ वो आए ग्रास प्रोजेक्ट, इन जो मकसद यो आ द ग्रोथ फॉर रूरल एडवांसमेंट एंड सस्टेनेबल प्रोग्रेस। ही इन करे तां सबनी के बुधायो पे तो इन प्रोजेक्ट जा फायदा आबादगारन के बाहन, उन सा गडो गड जेके असन जा चैम्बर ऑफ कॉमर्स या दोस्तन उनन के बाहन, जेके असन जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हन उनन के बाहन, गडो गड जेके एकेडमी है उन वो भी इनमें सपोर्ट करे सके थी। यही बेसिक इस प्रोजेक्ट के दो मेन पर्पस हैं, एक कि हमारे लोग जो हैं वो बिजनेस कर सकें, उनके बिजनेस में ग्रोथ आ सके, वो एंटरप्रेन्योर हो सकें, वो खुद अपने पैरों पे खड़े होकर कोई ना कोई कारोबार कर सकें, और दूसरी बात यह है कि लोगों को हम अपनी जो लेबर फोर्स है, जो हमारे लोग हैं, उनको हम किस तरह से इंगेज करें और वो क्या क्या काम कर सकते हैं और किस तरह से हम उनको मदद कर सकते हैं। तो ये दो हमारे मेन एस्पेक्ट्स हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं। जेके भी ते एसएमईज वेठा और पंजीकड़ी कारोबार के वधाण ला उन्हें अगर पैसों दरकार है तो साफको जो तकरीबन 57 ब्रांचू सिंध के 12 जिलों में हैं, हैदराबाद ज़िले में तकरीबन 6 ब्रांचू हैं जिनमें आऊँ नाला खी सकता तो टंडो जाम है, टंडो मोहम्मद खान है, टंडो अलैयार है, कासमाबाद है, हैदराबाद फुलेली मोरी है, हीराबाद है, इन इलाक में असा जो ब्रांचिज हैं, तो किथा भी को मानू इन यूनियन काउंसिल जिनमें ही बिलोंग कन था असाजा एसएमईस उए एक्सेस करे इंफॉर्मेशन वटी सकन सा ही असाजे इन प्रोग्राम जो हिस्सो थी सकन था। एसबीपी जो टारगेट आए तो बाबा ता नन्नन खातेदारन ताई पुजो उनके जेको लोन फाइनेंस को अलफला जेको है सिंध में पांजो यो एकड़ो प्रोग्राम लॉन्च कयो है अलफला कामयाब काशका, जेमे असा
टिन एकड़ खां जेके खातेदार आहिनि उन्हनि खे 5 लख खां वठी वेंदे ऑनवर्ड्स 5 करोड़ ताईं जेको फाइनेंसिंग करे सघो था। इन में जेको आहे नंढा खातेदार जंहिंखे 3 एकड़नि खां पासबुक आहे वेंदे जेके जेतिरो बॉनवर्ड्स पासबुक उहे जेके आहिनि उहे इन लोन खे वठी सघनि था। उहे जेके इन लोन खे जेको आहे अप्लाई करे सघनि जेके नंढे खातेदार। उन खां पोइ असां वटि आहे अलफला मुसस ज़रई सहूलत जंहिंमें असां वटि ॿिज भाण जी सहूलत लाइ जेके असां लोन ॾियूं था जंहिंमें 16 एकड़नि खां मथे जेका पासबुक आहे उन्हनि जी जेको आहे 6% मार्कअप ते जेको क़ाइबो आहे। उन खे अलावा ट्रांसपोर्ट जे हवाले सां असां ट्रैक्टर आहे मशीनरी आहे इहो हिकु जेको आहे उहो असां ॾेई सघूं था। उन खे अलावा औरतुनि जे हवाले सां हिकिड़ो स्टेट बैंक जी हिकिड़ी पोइ आहे वुमेन इंटरप्रिनस जो हिकिड़ो लोन आहे जेको 5% फ्लैट मार्कअप ते जेको आहे असां सिर्फ़ु औरतुनि खे ॾियूं था। उनमें जेको आहे मशीनरी ट्रैक्टर आहिनि लेज़र लेवलर आहिनि या ॿियूं जेतिरियूं मशीनरी आहिनि जेके लैंड डेवलपमेंट में जेके कमु अचनि थियूं। असां वटि जेके प्रोडक्ट्स आहिनि लोन जे हवाले सां जनरल प्रोडक्ट्स ऐं SME प्रोडक्ट्स आहिनि उनमें 2.5 लख ताईं जनरल प्रोडक्ट्स जी लिमिट आहे लोन जी ऐं 3 मिलियन ताईं जेके आहे SME प्रोडक्ट्स जी लोन जी लिमिट आहे। इनमें मुख़्तलिफ़ गारंटी जे बेस ते असां हिकिड़े मिडिल क्लास माण्हुनि खे जेके बिलोंग्स कनि था एग्रीकल्चर ऐं एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक बिज़नेस खां असां उन्हनि खे मुख़्तलिफ़ गारंटी जे बेस ते या पर्सनल गारंटी जे बेस ते असां लोन जी सहूलियत ॾियूं था इंतिहाई घटि मार्कअप ते। असां वटि 2 टाइप जूं जेके लैंडिंग्स आहिनि जीअं स्टेट बैंक जी रेगुलेशन्स जे हवाले सां हिकिड़ा लोन्स आहिनि जेके 2.5 लख ताईं आहिनि जेके जनरल लोन्स असां चवंदा आहियूं ऐं उन लोन्स में असां सिंपल गारंटीज़ ते ऐं जेके स्माल जंहिंजी स्माल नीड आहे कंज्यूमर जी उनखे असां प्रोवाइड कंदा आहियूं ऐं बिल्कुलु सिंपल डॉक्यूमेंटेशन आहे उनजी। उनखां अलावा कुझु असां वटि प्रोडक्ट्स जेके आहिनि उहो 2.5 लख खां वठी ऐं 3 मिलियन ताईं आहिनि उहो कोलेटल बेस आहिनि ऐं उनमें डिफरेंट कोलेटल जेके बैंक कस्टमर खां वठे थी ऐं उनमें उनखे असां जेका माइक्रो एंटरप्राइज़ लोन एंड SME लोन चवंदा आहियूं। प्रोडक्ट्स असांजी तव्हांजी अवेलेबल आहिनि सॼी कर्ज़ आहे ज़रई कर्ज़ आहे ट्रैक्टर जा लोन आहिनि ऐं अॼुकल्ह असां ट्यूबवेल लोन बि कयूं था। सोलर ट्यूबवेल असां तमामु आसान किस्तुनि ते ॾियूं पिया ज़मीनदार भाइयुनि खे। तव्हां सभिनि खे रिक्वेस्ट आहे त मुल्क जे तक़रीबन नंढनि वॾनि शहरनि में UBL ब्रांच अवेलेबल आहे। असांजा तक़रीबन RMs हर ब्रांच में मौजूदु आहिनि। जंहिं बि दोस्त खे कंहिंखे बि लोन जे बारे में का बि इंफॉर्मेशन या लोन अवेल करणु हुजे त UBL बैंक जी कंहिं बि ब्रांच में तव्हां अची अप्लाई करे सघो। और अगरि हमारी इस सिलसिले में अगरि कोई हमारी कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसके लिए मौजूद है। आप वहाँ आएँ और अपनी जितनी भी आपकी प्रोडक्ट हैं बैंकों की या मतलब सेक्टर की वो आएँ और उनको बताएँ ताकि ये प्रोमोट हो और इसमें जो प्रमोट हो और इसमें कुछ बेहतरी आए। मुझे ताल्लुक इनमें स्यापे प्रोजेक्ट सिंध इरीगेटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट प्रोजेक्ट आ जेको ज़रात खाते जी मार्फत वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंट करे पियो। यो पूरी सिंध में मेगा प्रोजेक्ट आ वर्ल्ड बैंक जे असिस्टेंस सा सिंध गवर्नमेंट जे कोलैबोरेशन सा ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट थे पियो। बुनियादी तौर से असो लाइफ स्टॉक जो शोबो सर्विसेस जो शोबो है वो फील्ड में जो मालवन बाहर जो फार्मर्स वो नंढो फार्मर हुए या वो फार्मर हुए उनके सर्विसेस प्रोवाइड असो डिपार्टमेंट। तो सेफको दो आपको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये कहा और अच्छा काम आप कर रहे हैं। एग्रीकल्चर बेस हमारी कंट्री है, इसको जितना भी हम प्रमोट करें वो कम है। यहाँ पे आप सबको मैं ये ज़रूर कहूँगा कि स्मॉल चैम्बर की तरफ से कोई भी ट्रेडिंग का इशू हो किसी भी ताजर का कोई भी इशू हो हमारे दरवाज़े आपके लिए खुले हुए हैं। पूरे सिंध में वाइट चैम्बर है जो छोटे ताजर छोटी इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करता है। जब भी कोई इशू हो तो हम आपको वार्मली वेलकम करते हैं। तव्हां सभिनी जी महिरबानी।